नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कंबाइन मशीन के इतिहास के बारे में बताएंगे। कंबाइन मशीन एक बहुमुखी मशीन है जिससे कटाई और सफाई का काम एक साथ किया जा सकता है। इस मशीन से धान, गेहूं, सोयाबीन, सरसों आदि की फसलों की कटाई और सफाई का काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। कंबाइन को ऑक्सफोर्ड भाषा के अनुसार कटाई और गहराई की मशीन कहा जाता है। 1826 में स्कॉटलैंड में रेवरेंड पैट्रिक बेल ने एक रीपर मशीन का डिज़ाइन तैयार किया जो पौधों की कैंचीनुमा मशीन के सिद्धांत के अनुसार काटने का काम करता था और इस मशीन को धकेलने के लिए घोड़ों का उपयोग किया जाता था। सन 1835 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हीरामोर ने पहली बार कंबाइन को बनाया जो अनाज से थ्रेशिंग और विनोइंग करने में सक्षम थी। इसकी लंबाई 17 फुट और चौड़ाई 14 फुट थी। इस कंबाइन को 50 घोड़ों के द्वारा खींचा जाता था। इसके पश्चात ह्यूग विक्टर मैके ने इस मशीन में शोधन करके 1885 में सनशाइन हेडर हार्वेस्टर का सफल उत्पादन किया। इसको खींचने के लिए काफ़ी खच्चर और घोड़ों को प्रयोग में लाया जाता था। इसके पश्चात कंबाइन में स्टीम पावर इंजन का उपयोग किया गया जिसके लिए जॉर्ज टोकन वैरी ने बॉयलर गर्म करने के लिए भूसे का उपयोग करके स्टीम इंजन को व्यवस्थित रूप देने का काम किया। 1911 में अमेरिका की कैलिफोर्निया में होल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और 1923 में कंसेस की ग्लैमर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने स्वचालित कंबाइन को बनाया। बदलते समय के अनुसार कंबाइन में बहुत से सुधार किए गए और 1947 में लॉयल जास्ट ने एक बर्मे का आविष्कार किया गया जो अनाज को मशीन से बाहर निकालने का काम करता था। 1952 में क्लेज ने यूरोप में स्वचालित कंबाइन को लॉन्च किया। इसके पश्चात 1953 में क्लास कंपनी ने हरक्यूलिस नामक कंबाइन को विकसित किया। यह कंबाइन एक दिन में 5 टन गेहूँ की कटाई कर सकता था। यह कंबाइन अभी भी उपयोग में लाया जाता है। इसका इंजन डीजल या गैसोलीन द्वारा संचालित था, परंतु इस कंबाइन की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसका भूसा बाहर नहीं निकलता था। इस कमी को दूर करने के लिए 1975 में सपेरी न्यू हॉलैंड कंपनी द्वारा रोटरी कंबाइन को लॉन्च किया गया, परंतु इसके पश्चात भी कंबाइन में बहुत से सुधार किए जाने बाकी थे। कंबाइन से हर साल लाखों एकड़ गेहूँ आग लगने से बर्बाद हो जाती थी। आग आमतौर पर इंजन और दूसरे पुर्जों के घर्षण से शुरू होती थी जहां धूल और सूखी फसल का मलबा जमा होता था। इस कमी को दूर करने के लिए कंबाइन में पेट्रोलियम आधारित लुब्रिकेंट्स की तुलना में उपयोगी सिंथेटिक ग्रीस का उपयोग किया जाने लगा जो चैन स्प्रोकेट और गियरबॉक्स पर होने वाले घर्षण के में कमी करता था और इंजन में सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स का उपयोग किया जाने लगा जो इंजन को ठंडा रखता था। तो दोस्तों, यह थी कंबाइन का इतिहास। तो दोस्तों, यदि आप इस प्रकार की जानकारियां जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक भी सब्सक्राइब कर जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद दोस्तों।